नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आईबीएन 24 पर। टोल कर्मियों का लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करने का मामला कोई पुराना नहीं है। आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं। ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, इसमें आप देख पाएंगे कि कैसे एक पीआरटीसी की बस है, जो पंजाब रोडवेज की पीआरसीटीसी की बस है, पीआरसीटीसी के जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनके साथ किस तरह से जो टोल कर्मी हैं वो लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्राइवर बस निकालने की कोशिश करता है लेकिन टोल कर्मी बस को निकलने नहीं देते और बस को रोकने की कोशिश करते हैं, बैरिकेड को आगे लगाने की कोशिश करते हैं। और इस घटना में जो बस का ड्राइवर है वो बुरी तरह से घायल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि चोटिल हुआ ड्राइवर मीडिया को किस तरह से कैमरे पर बयान दे रहा है और सीधे तौर पर कह रहा है कि जो टोल टैक्स कर्मी है उन्होंने इसके साथ मारपिटाई करने की कोशिश की। मारपिटाई करने की कोशिश ही नहीं की बल्कि इसे बुरे तरीके से पीटा भी। मामला था टोल से बस निकालने को लेकर। ड्राइवर ने टोल कर्मियों को कहा कि हमें थोड़ी जल्दी है इसलिए हमारी जो बस है उसको साइड वाली वीआईपी लेन है उससे निकाल दिया जाए, लेकिन ऐसे में जो टोल कर्मी है वो बस को निकालने से मना करते हैं। और आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर की किस तरह से बस लगातार आगे बढ़ रही है लेकिन टोल कर्मी जो बैरियर है वो आगे कर देते हैं। इसी बीच कंडक्टर के साथ कहा सुनी हो जाती है और उसके बाद जो टोल कर्मी है वो टूट पड़ते हैं ड्राइवर के ऊपर। ड्राइवर गुरलाल की बुरे तरीके से पिटाई की जाती है और उसे बस से बाहर निकालकर मारा जाता है। कंडक्टर की भी पिटाई की जाती है और उस समय किस तरह से लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और पूरी की पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। वहीं टोल कर्मियों का कहना है कि जो पीआरसीटी के जो एम्प्लॉयज थे, जो ड्राइवर था और जो कंडक्टर था, उसने उनके जो एम्प्लॉयज है उनके साथ मारपिटाई करने की कोशिश की। उनके सिख जो कर्मचारी थे उनकी पगड़ी को उतारा गया और उनके साथ बेअदबी की गई। फिलहाल जो पुलिस है वो मामले की जांच कर रही है। अमृतसर का ये मामला बताया जा रहा है और ऐसे में जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो बेअदबी को भी बीच में कहीं ना कहीं जब जगह मिलती है तो जाहिर तौर पर मामले का जो मोड़ है वो किसी और तरफ चला जाता है, यानी कि जातिगत मामलों की तरफ इस तरह की घटनाएं मोड़ दी जाती हैं। अब फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच करेगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, क्यों ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, क्या टोल कर्मियों में जो सिख जो कर्मचारी था उसकी पगड़ी को उछाला गया, इस तरह के जो आरोप टोल टैक्स की तरफ से लगाए जा रहे हैं, इस मामले की जांच भी सीसीटीवी देखकर पुलिस करेगी। और अगर उन्होंने ये कार्रवाई की है तो जाहिर तौर पर पीआरटीसी के जो एम्प्लॉयज हैं, जो ड्राइवर हैं, जो कंडक्टर हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अगर टोल कर्मियों की तरफ से जिस तरह से धक्काशाही की जाती है, लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है, वो अगर बात सामने आती है तो टोल टैक्स कर्मचारियों के ऊपर भी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि टोल टैक्स में गुंडागर्दी के जो मामले हैं लगातार सामने आते रहते हैं लेकिन कोई सख्त कार्रवाई ना होने से इनके हौसले लगातार किस तरह से बुलंद है, ये आप सभी लोग जानते हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस कौन आपको इस वीडियो में ठीक लग रहा है और किसकी यहां पर गलती दिखाई दे रही है, क्योंकि पीआरटीसी के जो कंडक्टर और ड्राइवर थे वो भी अपनी जगह पर गलत थे। जिस तरह से उन्होंने गाड़ी निकालने की कोशिश की, वहीं टोल टैक्स कर्मियों ने जिस तरह से मारपिटाई की वो भी अपनी तरफ से यानी कि गलत ही कहा जाएगा। इस बात को जगह नहीं दी जा सकती कि अगर वो गाड़ी निकाल रहे थे तो उनके साथ हैवानियत जैसा सलूक किया जाए, उनकी मारपिटाई किया जाए और उन्हें खून से लथपथ कर दिया जाए। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं आईबीएन 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।